आइए डॉक्टर साहब, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू नेबरहुड डॉक्टर एडम एंड थैंक यू फॉर कमिंग सो प्रॉम्प्टली। इट्स माय ड्यूटी गणेश साहब। एक्चुअली दिस टाउन इज फिल्ड विद गुड फॉर नथिंग्स हु हैव ऑफन ट्राइड टू क्लाइम टू माय डॉटर्स रूम। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दीस टू बॉडीगार्ड्स टू सेव हर। राइट, सो यू कैन गो अहेड विद योर एग्जामिनेशन नाउ। But where is the patient? मेरे ख्याल से आप अमेरिका से लौटे हुए नौजवान अक्सर कुछ ज़रूरी बातों को भूल जाते हैं कि हमारे घर की लड़कियां शरीफ होती हैं और शरीफ लड़कियां अपने घर की इज्जत का जनाजा या नुमाइश घर के चौखट के बाहर निकालती नहीं फिरती। तो आपको बहुत क्लियरली समझ जाना चाहिए कि अगर चाहें भी तो भी मेरी डॉक्टर को इतनी आसानी से नहीं देख सकते। अब देखिए, ये मैंने पर्दा लगाया है, मेरी बच्ची इस पर्दे के उस तरफ है अपनी पूरी शराफत के साथ। बट गणेश साहब, हाउ विल आई एग्जामिन हर? आप बताइए ना, आप उसके जिस्म के किस हिस्से को एग्जामिन करना चाहते हैं? वो पर्टिकुलरली उस हिस्से को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो होल है इस पर्दे में, देख पा रहे हैं कि नहीं? जी। इसके सामने ले आइए। व्हाट इज योर डॉटर कंप्लेन ऑफ? कंप्लेन तो उसको बहुत सारी हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली इसके पैर में मुझ आइए। All right, then please ask your daughter to show me her ankle. Miral, pair dikhao beta. हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज़ जल्दी आइए, मेरी बेटी को चोट लग गई है और उसे बहुत सारा खून बह रहा है। चोट कैसे लगी? तितलियां पकड़ रही थी। गिर पड़ी। असल में बात यह है कि मैं उन पे किताब बना रही, वो मेरी किताब में रहती है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। बात यह है कि मेरे घर के पिछवाड़े में हजारों किस्म की तितलियां हैं और मुझे सिर्फ हर एक किस्म की एक चाहिए। मुझे भी तितलियों का बहुत शौक है। रियली? अपनी किताब दिखाएंगे कभी? सोचनी पड़ेगी। I have to give a shot of tetanus. It won't hurt. Give me your arm. And this is the limit. I should call this is the limit. तो खैर कि इतनी भरी जवानी में, इतनी कमसन उम्र में, कभी इसके कंधे में दर्द है तो कभी इसके सीने में दर्द है, कभी इसके पैर में चोट आ गई, मूंछ आ गई, कभी इसके चोट आ गई, खून निकल आया। बहुत छोटी सी चोट है, you don't have to worry so much. I have all the reasons to worry about it. I have all the reasons to worry about it. Absolutely all the reasons to worry about it. Don't understand, doc. I am telling you.
या आपको मालूम नहीं, डॉक्टर एडम एक्चुअली जब ये जन्म इसका हुआ था ना, उसकी पैदाइश के वक्त ही जो है इसकी माँ चल बसी थी, तो तब से लेकर अब तक मैंने ही इसको मतलब बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, हर चीज़ का प्यार दिया, तो मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं आपको सच बताऊँ, और इसके सिवा मेरा कोई है नहीं, है ना। एंड बाय द वे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड, आप इस वक्त आए, बड़ी मेहरबानी की, मैं कभी भूलूंगा नहीं इस बात को। खुदा हाफिज़। क्या बात, जब चाहे बुला सकते हैं। धन्यवाद, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, टेक केयर डॉक्टर एडम, मे गॉड ब्लेस यू। आया ने फोन किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गणेश साहब किधर है? और आपके बॉडीगार्ड्स भी नहीं दिखाई दे रहे। अब्बा जान दिल्ली गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब तो आप घर वाले जैसे हैं। अतिका फीवो। So in that case, I would like to check your pulse. Very strong. Strong? I mean, normal. Normal. किताब कहां तक पहुंची? बन रही है। मैं आपके लिए अपनी किताब लाया हूं। अच्छा, आपको उससे तितलियों के नाम मिल जाएंगे। Forgot? आपने मुझे बुलाया था क्योंकि मेरे गर्दन में एक लंप सा हुआ है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मेरा मैं ये सोच रहा था कि
मैंने आपको कुछ दिया है तो बदले में आपको कुछ देना चाहिए ना। अच्छा, आई सी। क्या? एक गाना सुनाई। गाना? हाँ, मर गए। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था। चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते। एडम जी, क्या भाई, एक कप चाय भी नहीं पी के जाइएगा हमारे साथ में? जी बिल्कुल, आइए। भाई बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं आप, ना केवल मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं बल्कि उसको हंसाने की भी काबिलियत रखते हैं। नहीं? वैसे मतलब कि हंसते हुए वो बिल्कुल अपनी माँ की याद दिलाते हैं मुझे। मैं आपको बहुत दिनों से मेराल से मिलवाना चाह रहा था डॉक्टर साहब। जी आप कभी उससे मिले नहीं इसलिए। ये मेराल है, मेरी बीवी। मैंने अपनी बच्ची का नाम उसकी माँ के नाम पर ही रखा है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल। इससे आप आज तक मिले नहीं? इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा पहले मिला था। बहुत ही पुराना साथ है, बहुत ज़्यादा पुराना। मैंने आपको शायद बताया नहीं डॉक्टर एडम कि मेराल की शादी तय हो चुकी है नागपुर के एक सेठ के साथ। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा बड़ी किस्मत लेकर पैदा हुई है। बहुत ही वेल्दी और एक्चुअली ख़ानदानी लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेठ साहब ने शादी 7 दिन के अंदर अंदर ही पक्की करनी चाहिए है, और जिसकी हमने मंजूरी दे दी। एंड व्हाट डज मिराल थिंक ऑफ हिम? मिराल थिंक्स अबाउट हिम? नो, नथिंग। शी डज नॉट थिंक अबाउट हिम बिकॉज शी हैज नेवर सीन हिम। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मतलब किसी को जानने के लिए, समझने के लिए, पूछने के लिए कहाँ, मेरे ख्याल से आंखों की जरूरत पड़ती है। It's not important at all. Sometimes eyes deceive more than they can reveal. Congratulations, Ganesha. Thank you, Dr. Adam. Your daughter is getting married to a rich and noble man. Rich and noble too, yeah. डॉक्टर
I think I kept something for you. Oh, yeah. This is an invitation card for you. Please do come. Make it sure that you must come. हालांकि आप तो बिल्कुल ही मतलब घर के आदमी हो चुके हैं, तो आपसे इस सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कायदे कानून होते हैं जिनकी इज्जत करनी चाहिए हम लोगों को. I'm sure that you have a lot of work to do. 7 days is not much time for a bride's father. Dr. Adam, अंधे की आंखें कभी धोखा नहीं खाते हैं. ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना ही साहिबजादी घर से सोई हैं। वानी साहब वेटर आए हैं, वो 2000 की जगह सिर्फ 500 कबाब लेकर आए हैं। तो वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है, खून नहीं आया मेरी गलती है, बनाते नहीं लगी मेरी गलती है, किसी की जिंदगी बिगड़ रही है वो मेरी गलती है। सुनो तुम दोनों, ये इसको चादर पटा दो पूरी तरह से। मैंने कहा इस पर्दे को पूरी तरह से खोल दो, दोनों खोल के बाहर आओ और बाहर जाओ, और डॉक्टर साहब को ढंग से एग्जामिन करने दो। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप जाइए, गो हेड एंड इस बात का ख्याल कीजिएगा कि बारात बिल्कुल सर पर आ चुकी है। डॉक्टर साहब आखिरी बार मिलना चाहती थी। मेरे पास आपकी एक इमानत है। What happens when a butterfly is caught? See,
बोतल में बंद कर देते हैं या फिर ऐसी एक किताब में। A decoration piece. Are the wings of this butterfly strong? दिन जब तुम्हारी बेटी सालों बाद हंसी तो मैं तभी समझ गया था कि अब मैं उसकी हंसी नहीं छीन सकता। जैसे कि मैंने बरसों पहले तुम्हारी छीन ली थी। उम्मीद है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि मैंने अपनी मिराल को आज़ाद कर दिया। उसने आज 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 वो किया है जो शायद तुम्हें बहुत पहले कर चुका होना चाहिए था। तुम्हें कहा करते थे ना कि मैंने तुम्हारे पर कदर दिए हैं, तो काश कि मिराल उसको वो मोहब्बत दे पाए जो कि तुम मुझे ना दे सकी।